हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। तो हम आज आए हैं एक ऐसे प्लेस पर, एक बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस पर। बहुत लोग इसका नाम मालूम नहीं होगा और बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उनको मालूम होगा। तो इसका नाम है देवगिरी वैली, जो कि औरंगाबाद में है, संभाजी नगर। सॉरी, पहले इसका औरंगाबाद नाम था, अब संभाजी नगर हो गया। और हम आ गए इसके अंदर, और आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए तो आप लोग हमारे ब्लॉग पर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए फाइनली अंदर और जा रहे हैं तोप संग्रहालय में। ये तोप संग्रहालय है, आपको चलिए बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पुराने ज़माने के सब तोप है, उस समय लोग ऐसे तोप यूज करते थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना एंटीक है। तो ये है तोप संग्रहालय, यहाँ पर बहुत सारे तोपे हैं पहले ज़माने के सब। ये देखिए, ये है मीनार, कुतुब मीनार जैसा लग रहा होगा लेकिन इसका नाम है चांद मीनार। और ये उस बहुत ही पुराना मीनार है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और अभी तक सलामत है। इसको बस केवल लगाया था कि दूर से इसको पहचाना जा सके, इस किले को पूरा। ये किले का जो है संकेत के रूप में इसका यूज किया गया है। ये आ गए ऊपर। ये दोस्तों कहा जाता है कि जमीन स्तर से लगभग 200 मीटर ऊंचाई है, अगर आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो लगभग 200 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 600 से ज़्यादा प्लस सीढ़ियाँ है इसका। और आप देख सकते हैं कितना इसका वाइड एरिया है। बाप रे, ये है गाइड भाई साहब, एक फॉरेनर आई है, उसको गाइडिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, उसको बता रहे हैं इसके बारे में, पूरे जगह के बारे में। चल रहे चल रहे। ये दो भाई लोग मिल गए औरंगाबाद के, तो हमसे चलो साथ में वीडियो बनाएंगे। अब जाकर हम लोग आधा चढ़े हैं रास्ता, ये देखिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको नॉलेज देते हैं। तो ये है, इसका सबसे पुराना नाम है देवगिरी वैली, इसको पहले देवगिरी वैली कहा जाता था। और यहाँ पर जो सबसे पहला शासक थे उनका नाम था भीलव पंचम, जो यादव वंश के संस्थापक थे, और उन्होंने इसका नाम देवगिरी रखा था। उनका मानना था कि ये जो है यहाँ पर, ये जो वैली, यहाँ पर देव लोग प्रवास मतलब रहते थे और देव का वास कहा जाता, इसलिए इसका नाम देवगिरी पड़ा। तो उन्होंने कुछ साल तक यहाँ पर अपना शासन किया। तो 1327 ईस्वी में यहाँ पर दूसरी सत्ता आ गई और तुगलक वंश ने यहाँ पर अपना स्थापना किया, जिसका शासक था मोहम्मद शाह तुगलक। और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी, पहले वो दिल्ली पर सत्ता करते थे, दिल्ली के बाद उन्होंने राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ पर लाई और लगभग 1334 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। और इसका नाम यहाँ उन्होंने चेंज किया, तो आपको कहा जाए तो तुगलक वंश ने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रख दिया दौलताबाद। पहले इसका देवगिरी नाम था, फिर इसने दौलताबाद चेंज कर दिया। 1334 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पर असफलता हासिल हुआ और उन्होंने यहाँ से अपना पुनः दोबारा यहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली लेकर चले, क्योंकि यहाँ पर पानी का अभाव बहुत ज़्यादा कम था, इसी कारण वो यहाँ पर शासन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर चले गए। तो ये था कुछ इसका बेसिक जानकारी। तो अब हो गई शाम, ये 6 बजे तक ही खुला रहता है, 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए अब लोग वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमको नीचे उतरने में करीब 1 घंटा लगेगा। बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है मेरा तो भाई। हम आ गए थे यार जल्दी, भीड़ ही नहीं था, बहुत कम भीड़ था। अभी देखो शाम हो गई और लोग कितना भीड़ हो गए होने लगे, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अब जाकर यहाँ पर भीड़ शुरू हुआ है। मेरे को लगा कि 6 बजे बंद हो जाता है तो लोग कम आएंगे, सुबह ज़्यादा रहेंगे वो लोग, लेकिन उल्टा हो रहा है, सुबह कम लोग थे अभी ज़्यादा लोग आ रहे हैं।